विधानमंडल शीतकालीन सत्र का आज प्रथम दिन, जहां सदन कार्यवाही के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, वहीं प्राकृतिक रूप से विपक्ष का सरकार के खिलाफ विरोध दिखाई दिया, तो वहीं सदन के बाहर आंदोलकों ने अपनी मांगे रखी। शीतकालीन सत्र के शुरुआती दौर में महाविकास आघाड़ी द्वारा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां नेता प्रतिपक्ष विधानसभा विजय वडेट्टीवार और नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद अंबादास दानवे की उपस्थिति में महाविकास आघाड़ी ने खिलाफत का बिगुल फूका, जहां किसान के मुद्दे को लेकर शीत सत्र के पहले ही दिन विरोधक आक्रामक दिखाई दिए। विरोधक विधानसभा के परिसर में गले में संतरा की माला पहनकर आंदोलन करते हुए नजर आए, जहां हमी भाव कपास को अच्छे भाव की मांग करते हुए सरकार का विरोध किया गया। साथ ही शेतकरी का साविस खो के सरकार 420 के नारे भी लगाए गए। तो वहीं दूसरी ओर बात की जाए राष्ट्रवादी के कार्यालय की, तो विधानसभा परिसर में पक्ष कार्यालय को लेकर अजीत गुट और शरद गुट के दोनों पक्ष आमने सामने दिखाई दे। शीत सत्र के पहले दिन राष्ट्रवादी कांग्रेस के पक्ष कार्यालय के सामने विधायक जितेंद्र आव्हाड के नाम की लगी पार्टी निकाली गई। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अब कार्यालय में अजीत पवार गुट के लोग बैठेंगे। तो वहीं पूर्व मंत्री नवाब मलिक ने सदन में सत्ता पक्ष के आखिरी टेबल पर बैठकर मलिक आखिर किस ओर इस बड़े सवाल का छुपा जवाब दे ही दिया कि वह अजित पवार के खेमे में है। पूर्व मंत्री नवाब मलिक ने शीत सत्र में शिरकत कर राष्ट्रवादी कांग्रेस कार्यालय में प्रवेश किया, साथ ही मंत्री नितिन पाटिल के कैबिन से ही कार्यकर्ताओं से संवाद साधा। इस साल का शीत सत्र मराठा आरक्षण, बेमौसम बारिश से किसानों के हुए नुकसान, ड्रग्स माफिया, स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों को लेकर घमासान करने वाला है। उसी अनुरूप कार्य के पहले ही दिन किसानों के मुद्दे पर घमासान हुआ, तो वही विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार द्वारा रखे गए स्थगन प्रस्ताव को स्थगित किया गया। गौरतलब है कि विधान भवन परिसर में सत्तारूढ़ नेताओं के खिलाफ बैनरबाजी भी की गई। पैमाने में किसानों का फसल की नुकसान हुई तो ये बार बार किसानों का नुकसान होने से बड़े पैमाने में अन्नदाता और किसान इस राज्य का आत्महत्या कर रहा है, और इसलिए आज हमने एक स्थगन लाया था और स्थगन के आधार पर सरकार को हम जवाब पूछना चाहते थे, लेकिन सरकार ने जवाब देने के जगह झूठ की बातें वहाँ रखी, झूठ का पिटारा वहाँ पे खोला और किसानों को मदद न देने की व्यवस्था हमने घोषणा तो की है, लेकिन मदद अभी तक नहीं मिली और उससे किसानों की बड़े पैमाने में आत्महत्या यहाँ पे हो रही है। हमारी आज भूमिका ये थी कि आज कोई कामकाज था नहीं, तो सरकार ने इसके ऊपर चर्चा करना चाहिए और तुरंत किसानों को मदद देना चाहिए, ये मांग हमारी कांग्रेस की थी। लेकिन महाराष्ट्र में जो किसान विरोधी सरकार जो है, बीजेपी प्रणीत सरकार है, ये सरकार किसान विरोधी है, ये स्पष्ट हो चुका है। आज पहिला दिवस आहे अधिवेशनाचा आणि महाराष्ट्रातला सर्व शेतकरी हा या अधिवेशनाकडे लक्ष ठेवून आहे, नजर लावून आहे की काय मदत आपल्याला होणार आहे। एकंदर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एक दुष्काळाची परिस्थिती सुरुवातीला होती, त्यामध्ये पिकं गेले, त्याचे विम्याचे पैसे अद्याप मिळालेले नाही, अग्रिम रक्कम असते 25% ती प्रथम द्यायची असते, माहिती आहे तर पीक आलेलं नाही, त्या दुष्काळी भागाला त्यांचे मदत झालेली नाही। आता अतिवृष्टी आणि त्यामध्ये गारपीट यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रातले पिकं हे नष्ट झाले अशी अवस्था झालेली आहे। भाताची म्हणजे धानाची परिस्थिती तीच आहे, आता इकडं पाहतो आहोत संत्र्याचं काय अवस्था होणार माहीत नाही, सोयाबीन आणि कापसाच्या जी क्वालिटी आहे ती पूर्णपणे गेलेली आहे, कापूस सुद्धा खराब झाला, ही अवस्था निर्माण झालेली आपल्या सगळ्यांना दिसते आहे। नाशिक आणि त्या भागामध्ये कांद्याचं पीक गेलं, सोयाबीन गेलं, परंतु त्याबरोबर द्राक्षासारखे पीक असतात किंवा कोकणामध्ये आंब्यासारखं पीक असतं। संपूर्णपणे धान पीक हे उद्ध्वस्त झालेलं आहे, कापूस आणि इतर पिकाला देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालेलं आहे। आम्ही सर्व सत्ताधारी पक्षाचे आमदार, अपक्ष आमदार, माननीय मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांना भेटलेलो आहोत, सभागृहामध्ये आम्ही मुद्दा उपस्थित करणार आहोत आणि नागपूरमध्ये अधिवेशन होत असताना नेहमी सरकारने धानाच्या प्रश्नाकडे लक्ष देणं गरजेचं असते आणि धान उत्पादक शेतकऱ्यांचं जे नुकसान झालेलं आहे त्यासोबत इतर पिकांचं जे नुकसान झालेलं आहे, आम्ही माननीय मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतलेली आहे आणि
विधानसभेमध्ये हा मुद्दा आम्ही उपस्थित करणार आहोत आणि धान उत्पादक शेतकऱ्यांना आणि इतर शेतकऱ्यांना आता नुकसानची जी मदत करायची आहे ती सरसकट करावी. पंचनामा हा विषय आता राहिलेला नाही आहे. थोड्याफार प्रमाणात नुकसान झालं असतं तेव्हा पंचनामा करणं आपण समजू शकतो, परंतु आता सरसकट नुकसान भरपाई देण्याची गरज आहे. त्यामुळे आता आम्ही सर्वपक्षीय आमदार सत्ताधारी पक्षाचे या संदर्भामध्ये सरकारचं लक्ष वेधून धान उत्पादक शेतकऱ्याला बोनस, वाढीव बोनस, नुकसान भरपाई आणि त्यासोबत सरसकट नुकसान भरपाई ही आमची मागणी सरकारकडे या संदर्भात राहणार आहे. विधायक रवींद्र धगेकर ने आज शीत सत्र के पहले ही दिन सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए डॉक्टरी पेशे में विधानसभा परिसर में प्रवेश किया, जहां प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि संयुक्त महाराष्ट्र के गठन के बाद से ही विदर्भ में अलग से सत्र आयोजित करने और शीतकालीन सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया गया था. मागच्या अधिवेशनामध्ये मी हे बोललो होतो मुंबईच्या की उडता पंजाब नंतर महाराष्ट्रामध्ये आम्ही विकणारी टोळी कार्यरत आणि त्यानंतर महिना दीड महिन्यातच दलित पाटील ससूनमधनं पलायन केलं. सगळी माहिती घेतली असताना 9 महिने त्याला 5 तारीख सेवा दिली. त्या 5 तारीख सेवेमध्ये त्यांनी ससूनमधनंच उपचार घेताना अंमली पदार्थ विकण्याचं काम केलं, मोबाईल वापरले, पोलिसांशी संगत मताने, डॉक्टरांशी संगत मताने त्यामध्ये करोडो रुपयाचा व्यवहार केला. अनेक लोकांना त्यांनी पैसे दिले आणि आमची पुणे शहराची तरुण याच्यामध्ये अंमली पदार्थाच्या वेड्यामध्ये वाहत जात असताना प्रशासन आणि पोलीस खातं याच्याकडे दुर्लक्ष करताना दिसत होतं. आम्ही सातत्यानं आवाज बोलतोय, वेळ पडली तर आम्ही रस्त्यावर उतरलोय, पण अजूनही संजय ठाकूरला अटक झाली नाही. आणि संजय ठाकूरला अटक केल्यानंतर ज्या ज्या मंत्र्यांनी फोन केले त्यांचा तपास झाला पाहिजे आणि या तपासामध्ये येणाऱ्या काळामध्ये अनेक ललित पाटील कार्यरत आहे ते थांबले पाहिजेत आणि आमचा महाराष्ट्र हा अंमली पदार्थ मुक्त झाला पाहिजे. कारण आज महाराष्ट्रामध्ये अनेक आर्थिक व्यवस्था चांगली असल्यामुळे या आर्थिक व्यवस्थेमध्ये अनेक लोकांचं लक्ष आहे. अनेक भांडवलदार ह्याच्यामध्ये उतरू शकतात, आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगार ह्याच्यामध्ये आहेत आणि गुन्हेगारांना एकत्र करून एवढे मोठे धंदे आज महाराष्ट्रात चालतात हे गृह खात्याने हे थांबवावेत आणि आमची तरुण अंमली पदार्थामध्ये ढकलू नये त्यासाठी मदत करा. कोण संरक्षण देते कारण याच्यामध्ये ललित पाटीलला पकडल्यानंतर अनेक ठिकाणचे कारखाने उद्ध्वस्त झालेत. म्हणजे पोलिसांना ही जाग येते आम्ही रस्त्यावर बोलतोय आणि त्या ठिकाणी अनेक करोडो रुपयाचे कारखाने पोलिसांनी उद्ध्वस्त केलेत. अजून ते कारखाने असू शकतात आणि आहेत तर ते थांबवत ही सातत्यानं मागणी पोलीस खात्याला आणि आजच्या अधिवेशनाच्या निमित्तानं सरकारला याची जाणीव व्हावी याची माहिती कळावी यासाठी हा मी पोषक दंगेकर साहेब तुम्ही म्हणताय की मंत्र्यांवर कारवाई झाली पाहिजे, तो मंत्री नेमका कोण? आता ह्या तपासाचा मागे हळूहळू तुम्हाला लोक कळलीत. जेलमधले डॉक्टर याच्यामध्ये इन्वॉल्व आहेत, संजीव ठाकूर इन्वॉल्व आहेत आणि याच्यामध्ये नावं तुम्हाला थोड्या दिवसात कळतील. और विदर्भ समस्या का समाधान ही मूल कारण था. हर सत्र में विदर्भ का प्रश्न लेना सरकार का नियम है और इस बार भी ऐसा ही होगा. वर्धा जिले में मंजूर हुई सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय सिर्फ हिंगनघाट में ही बने, इस मांग के साथ सत्ता पक्ष के ही विधायक समीर कुनावार सदन के सीढ़ियों पर आंदोलन करते हुए नजर आए. उन्होंने कहा कि 5 से 6 लाख लोकसंख्या वाले इस शहर में कोई सरकारी अस्पताल नहीं है, वही वर्धा में 2 बड़े अस्पताल है. ऐसे में हिंगनघाट को स्वास्थ्य सेवा की ज्यादा है. उन्होंने आगे कहा कि सरकार उनकी मांग नहीं मानती तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे. ऐसे में कई सवालों पर सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष की विभिन्न प्रतिक्रियाएं देखने को मिली. मेडिकल कॉलेज वो हिंगनघाट क्षेत्र में होना चाहिए, इसके लिए गए 7-8 महीने से हम प्रयास कर रहे हैं. उसके लिए बहुत जन आंदोलन चालू है. मैं अभी तक 8 से 9 पत्र दे चुका हूँ और वो कॉलेज हिंगनघाट में होना जरूरी है. इसलिए आज सरकार का हमारे तरफ उसके तरफ में लक्ष्य देने के लिए आज मैं यहाँ पे पायरी पे बैठ के आंदोलन किया हूँ और ये शासकीय महाविद्यालय हिंगनघाट होना चाहिए ऐसी जन जन की भावना है. हजारों लोगों का आंदोलन वहाँ पे चालू है और वहाँ की परिस्थिति देखते हुए ये शासकीय मेडिकल कॉलेज हिंगनघाट में होना जरूरी है पॉपुलेशन के हिसाब से. इसलिए आज मैं पायरी पर बैठ के यहाँ पे आंदोलन किया. माननीय लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री फडणवीस साहब अभी आए थे, उन्होंने मुझे शब्द दिया कि ये जो मेडिकल कॉलेज है ये हिंगनघाट में देने के लिए उन्होंने सकारात्मकता दिखाई है और अभी उनके बारे में कुछ बोलने के लिए माननीय आशीष शेलार साहब को उन्होंने यहाँ पे बताया है.
गौरतलब है कि शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन राज्य के कई जगहों से 20 मोर्चे विधान भवन परिसर में आए थे, जहां आंदोलकों ने मोर्चा स्पॉट में जबरदस्त नारेबाजी की। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन विपक्ष द्वारा खिलाफत का बिगुल फूका गया, लेकिन किसी महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय देखने को नहीं मिला। आशा है कि अगले 9 दिन के कार्यकाल में राज्य के मुद्दे प्रभावी प्रकार से उठाए जाएंगे। NBCN के लिए मनीष टेमरे की रिपोर्ट।